हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील, आप देख रहे डिजिटल प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। आज ये प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये 128 गज का बना हुआ एक डुप्लेक्स हाउस है। लोकेशन आ रही है आमवाला में, जो आमवाला सहजधारा रोड के से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। नियर बाई आपका जो पॉलिटेक्निक स्कूल है जो उसमें है। यहाँ से आपको कनेक्टिविटी चारों तरफ मिलेगी, जो सामने से इस पे रोड जा रही है ये यहाँ से आपको अपनी जो रिंग रोड है वहाँ मिल जाएगी, तो कनेक्टिविटी आपको पूरी मिलेगी। या फिर यहाँ से आप IT पार्क भी जा सकते हैं। नियर बाई आपको पूरे स्कूल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे जो अपना टचवुड स्कूल है, दून ब्रॉसम स्कूल है, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की रेंज में, तो आपको बच्चों के एजुकेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और ये मकान उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा जो या फिर जो रेंट के लिए ढूंढ रहे, या फिर कोई ऐसे हैं जिन जो दो भाई हैं और वो दोनों सेपरेट सेम टू सेम सेपरेट लेना चाहते हैं, तो क्योंकि इसका नीचे और ऊपर सेम टू सेम मिलेगा आपको। तो टू बीएचके ऊपर है, 2 BHK नीचे है। पार्किंग आपको काफ़ी बड़ी पार्किंग मिलेगी, बड़ी कार आराम से आएगी, 2 व्हीलर्स भी होंगे वो भी, उसके बाद भी आपको आराम से उस पर जगह मिलने वाली है। जो इसकी रोड है, रोड वो आपको 25 फिट की मिलेगी। जो इसकी फेसिंग आ रही है वो नॉर्थ फेसिंग आ रही है आपको। ये प्रॉपर्टी उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगी जो शहर के अंदर भी माउंटेन व्यू चाह रहे हैं। आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, ये पूरा फॉरेस्ट व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये आपको इसके सामने मसूरी भी व्यू से मिल जाएगा इससे, तो ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाली जो नेचर के पास अच्छी अच्छी जगह पर रहना चाहते हैं। तो चलिए मैं प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी दिखाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आती है इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और एक चीज़ और बता दूँ, जब भी कोई प्रॉपर्टी ले, प्रॉपर्टी के पेपर जरूर चेक करवाएं, उससे जो प्रॉपर्टी में फ्रॉड हो रहे हैं आजकल वो उनसे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने आपको रोड दिख रही है 25 फिट की, और जो इसकी मेन रोड आ रही है वो 30 फिट की है। और ये आपको डुप्लेक्स मिलेगा यहाँ पे, इस तरीके का है ये, इसका फ्रंट अलाइनमेंट आ जाएगा, काफ़ी सुंदर अलाइनमेंट है। आप जो डोर, जो इसके जो मेन गेट है वो भी काफ़ी चौड़ा है, तो आपकी कितनी भी बड़ी कार हो आराम से अंदर हो जाएगी। और मैं इसकी पार्किंग भी दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरीके की पार्किंग मिलेगी, बड़ी कार आराम से खड़ी हो जाएगी, तब भी आपका स्पेस मिलेगा आपको अंदर जाने के लिए। और आप देख सकते हैं जो दरवाजे हैं ये लगभग लगभग 9 फिट की हाइट पर है, इतना बड़े दरवाजे दे रखे हैं आपको। इस तरफ आपको विंडोज मिल जाएंगी पूरी, यहाँ इसका एंट्री है। अभी नीचे वाला थोड़ा अस्त-व्यस्त है, इसके लिए मैं आपसे पहले माफ़ी मांग देता हूँ। ऊपर वाला काफ़ी बढ़िया है, तो साफ हो रखा है, तो मैं उसको भी शूट कर रहा हूँ, तो आप उसको भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस तरफ से इसमें स्ट्रक्चर टाइप के किसी में ऊपर आपको POP का काम मिलेगा, और ये यहाँ पे आपको मिलेगा एक बड़ा सा किचन, इस तरीके का किचन है ऐसे घूमते हुए। यहाँ पे आपका जो सिंक है वो लग जाएगा, ये डक एरिया रहेगा आपका, ये बंद रहेगा अभी, इस पर दरवाजा लग जाएगा अभी, इस तरीके का है। और यहाँ पे ही आपको एक जो कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा, ये कॉमन वॉशरूम रहेगा, अभी एसेसरी फिट नहीं है इसमें, काफी साइज काफी बढ़िया है इनके। जो रूम के साइज आ रहे हैं वो 11x13 के आसपास आ रहे हैं, ये आपको एक रूम मिल रहा है इस तरीके का। इसके पीछे आपको आपका वॉशिंग एरिया बना सकते हैं आप इसको, ये आपका वॉशिंग एरिया बन जाएगा इस तरीके का। ये यहाँ पे इन्होंने पूरा सेटअप करके रखा हुआ है इस तरीके से। और एक बेडरूम इसका मिल जाएगा आपको इस तरह, जो इसका जो बेडरूम्स हैं उनके साइज, इसलिए 2 बेडरूम आराम से नीचे आ गए, क्योंकि जो फ्रंट है इसका, फ्रंट इसका 23 का है, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी स्पेस मिल गया। यहाँ पे आपको अलमारी बना के मिलेगी, इस तरीके की अलमारी बनेगी यहाँ पे, और ये आपका एक वॉशरूम ले जाएगा यहाँ पे, ये अटैच वॉशरूम बनेगा इसमें, इस तरीके का बनेगा। इस पर भी आपको 6 फुट की आपको हाइट पे टाइल्स लगी हुई है। और अब मैं इसका जो ऊपर उसका फर्स्ट पोर्शन जो काफ़ी हद तक तैयार है वो दिखा लेता हूँ। इस तरह भी आपका स्पेस है, आप यहाँ पर भी अपने के लिए कुछ स्टोरेज के लिए बना सकते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में आपने देखा होगा पत्थर पूरा लगा हुआ है, ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है आपको,
तो काफी स्पेसियस है, आपको सामान जाने में कोई दिक्कत होगी नहीं। इस तरह आपको पूरा ग्लेजिंग मिल जाएगा तो आपको पूरा अंदर उजाला पूरा मिलेगा। ये आपका यहाँ से आपको इसकी बालकनी से व्यू मिलेगा इस तरीके का है। और सामने आपको मसूरी व्यू है, पूरा मसूरी दिख रहा है सामने। और ये आपका रहेगा एंट्री, जैसे सेम नीचे था वैसे ही 9 फीट के दरवाजे हैं। आप इसके हॉल में आ सकते हैं इस तरीके से, इसके सेम जैसे नीचे डिजाइन है सेम टू सेम है। और ये आपको किचन मिल जाएगा। तो जो रेंट में देना चाहते हैं, एक पोर्शन में खुद रहना चाहते हैं और एक पोर्शन में रेंट में देना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। या कोई दो भाई हैं सेपरेट सेपरेट, इस तरीके का ये आपको वॉशरूम मिल जाएगा। और एक बेडरूम ये है इस तरीके से मिलेगा। वो काफी बड़ी विंडो मिल रही है, पीछे आपको काफी जगह मिल रही है। ये जो सामने है, सामने ये अमला रोड है, सहजधारा यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर हो गया सहजधारा रोड। और ये आपका सेकेंड रूम, इसमें ऊपर वाले में सेकेंड बेडरूम में वो ये मिलेगा इस तरीके का। सेम जैसा नीचे है वैसा ही है इस तरीके से। इसमें भी आपको वार्डरोब यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पे वार्डरोब बनेगा बिला के। आजकल फिनिशिंग वर्क चल रहा है केवल लकड़ी का जो वुडन वर्क है। आप यहाँ से इसकी रूफ पे जा सकते हैं, जैसे आपको उसके रूप पे जाने की जरूरत तो बहुत कम पड़ने वाली है, क्योंकि इसकी जो बालकनी है वहां से आपको काफी अच्छा भी मिल रहा है। ये देख सकते हैं रूप पे पूरा आपको आपको टफन लग रख के मिल रहा है इस तरीके के। आपको पिलर्स छोड़े हुए, आप इसका यूज अपने बैठने के लिए कर सकते हैं जब आप यहाँ छत में आए। और इस तरफ देखिए पूरा व्यू। इस तरफ आपका पूरा फॉरेस्ट व्यू मिलेगा। तो जो लोग फॉरेस्ट व्यू ढूंढ रहे हैं, नेचर के पास रहना चाहते हैं, उनके लिए काफी बेस्ट होने वाला है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आ रही है और आप इसे विजिट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप कॉल कीजिए, हम आपको इसका विजिट करवा देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमें कॉल करके ही आए, उससे आपका और हमारा दोनों का टाइम बचता है। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में।